जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो को मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ। ये पहला पूरा वीडियो बन चुका था लगभग 20 मिनट का, लेकिन बीच में कुछ कारण हो गए थे जिसके कारण रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन फिर से एक बार एनर्जी के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सभी को पता पड़ गया होगा किस लिए है ये वीडियो। आपका पढ़ाई में मन के नहीं लगता है आपका, तो उसके कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ पर गिनाऊंगा, उसके निवारण भी आपको बताऊंगा, जिससे आप हमेशा जो है एनर्जी से भरपूर रहें या फिर अपने उद्देश्य को प्राप्ति में बिल्कुल लगन लगा के एक तरह से पढ़ाई कर सके, चाहे आप किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हो, आईएएस से लेके कोई भी एग्जाम हो आपका जिंदगी का, चाहे आपने 12th 10th कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, उसके बाद के जो भी एग्जाम है उन सब में ये काम आने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसकी पढ़ाई करिए, तो पढ़ाई से संबंधित क्या होता है, हमारे अंदर एक ऊब पैदा हो जाती है, या फिर हम कहने लग जाते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करें इस चीज को, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते लास्ट में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, जिससे आपको डेली जो है नोटिफिकेशन वीडियो प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका ऊर्जा की कमी। इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप जो है 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं और तो उसे थोड़ा सा कम कीजिएगा। ठीक है, 7 से 8 घंटे कीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे काफी होते हैं, ज्यादा कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक दिन आपने कर लिया, फिर दूसरे दिन ऊब पैदा हो जाती है, आपके ज्यादा पढ़ने के कारण भी वो एक कारण हो सकता है। तो नेचुरल जो है जितना आप सोते हैं उतनी ही पढ़ाई कीजिए, बस इतना ही हमारा दिमाग बचा सकता है। ठीक है, नॉर्मली तो सबसे पहला कारण होता है ऊर्जा की कमी। देखिए, जैसे ही आप अपनी जो है स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार आप पढ़ना तो चाहते हैं, आपके अंदर लगन है, लेकिन क्या होता है, पढ़ने बैठे तो आपके सिर में दर्द होने लग गया। ठीक है, या फिर शरीर सारे कोई परेशानी हो गई, एनर्जी एकदम डाउन होने लग जाती है, जिससे आप कह सकते हैं चलो यार कल एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, कल पढ़ाई करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी की कमी के कारण। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर नहीं रहती, आप पढ़ना चाहते हैं, लगन है आपके अंदर, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो वो क्या है, ऊर्जा की कमी के कारण है। तो आप क्या करेंगे, इस ऊर्जा की कमी को कैसे भरपाई करें। ठीक है, जो आपने नहीं किया होंगे इस टाइम वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह क्या करना है, संवाद करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ लोग जो है जानते होंगे संवाद क्या होता है। आपको क्या करना है, अपने शरीर को सूरज की किरणों के सामने जो है सुबह सुबह जब भी आप उठें, कभी भी आप उठते हो तब लेके जाना है। ठीक है, लगभग 10 से 15 मिनट रखना है, अपने आगे का जो शरीर है, पीछे का शरीर है, पूरा एक तरह से जैसे आप शावर में नहाते हैं पानी से, इसी प्रकार से सन यानी रोशनी है जो लाइट वेव्स हैं उनसे एक तरह से स्नान करना है, कहने का तात्पर्य ये है, वही होता है संवाद। 10 से 15 मिनट यदि आप ऐसा कर लें कभी भी आप उठें जब, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है, वही स्थिति यहाँ पर भी आती है। चाहे आप 9 बजे उठते हो, मान के चलिए लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए सुबह सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, ठीक है, तब तो बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन नहीं भी उठ पाते हैं तो अपना रूटीन भले ही मत चेंज किए, लेकिन ये जरूर करिए कि सूरज को जो है अपने शरीर पर पड़ने दे दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकमात्र जो स्रोत है पृथ्वी पर एनर्जी का वो क्या है, वो है आपका सूरज। सूरज से जब बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं बैठे बैठे, तो आपके अंदर भी वो एनर्जी होती जागृत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने जाने कितने, हो सकता है सालों हुई हुई कुछ लोगों को, जिन्होंने जो है अपने शरीर पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी होगी नॉर्मली। ठीक है, तो ऐसा करें, लगभग 5 से 10 दिन के अंदर इतना एनर्जी से भर जाएंगे आप कि आपको एक तरह से कभी भी ऊब नहीं होगी किसी भी चीज की, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आप फॉलो करिए, एक दिन में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। यदि आप कल करते हैं तो कल ही पूरा दिन एक तरह से एनर्जाइज हो जाएगा आपका। दूसरा जो है, हल्का फुल्का व्यायाम करते रहिए। ठीक है, हल्का फुल्का जो अपना जो शरीर है, शरीर की सेल है या मसल्स है, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच जो है करते रहिए हमेशा, सुबह उठकर या फिर शाम को, कभी भी आप घूमने जा रहे हैं कभी भी थोड़ा सा मूव करते रहिए अपने शरीर को। ठीक है, जिससे थोड़ा सा शरीर की जो नस जो होती हैं जो थोड़ी सी ब्लेंड हो जाती हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे। ठीक है, खुलने के कारण आपका दिमाग जो है अच्छे से काम करेगा और ऊब पैदा नहीं होगी आपके अंदर, जो ऊब पैदा हो जाती है पढ़ाई के प्रति। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको कम से कम 1 घंटे तैयारी में लगाने होंगे, तब जाके आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं। अपने शरीर को 1 घंटा ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 8 घंटे आपकी
स्टडी जो हो बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड होकर हो, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप घंटे निकाल लीजिए, मान लीजिए 12-13 घंटे बड़े ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटेटिव है? ठीक है, वो केवल क्वांटिटी हो गई आपकी, क्वालिटेटिव स्टडी नहीं हुई। क्वालिटेटिव स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा, 1 घंटे कम से कम अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। वो 1 घंटा बस निकालना है, कब? सुबह, शाम, दोपहर में, कभी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक सबसे अच्छा है एनर्जाइज एक तरह से आपको करने के लिए, ये ओम शब्द होता है, ओम ये वाला शब्द, इसको आप उठकर सुबह जब मुंह हाथ धोकर एक तरह से इसे यूज करिए, कम से कम 5 मिनट आप एक दिन करके देखिए, फिर देखिएगा उस दिन आपका कैसा जा रहा है। अगर यदि आप फिर ऐसे डेली करने लग जाएंगे तो आपका दिन कैसा रहेगा ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, ठीक है। शाम को कम से कम 1 गिलास जो है, जो दूध नहीं पीते हैं वो जरूर पीजिए। दूध क्या करता है, आपकी सारी जो जितनी भी एक तरह से थकान होती है दोपहर भर की, या फिर जो एनर्जी से एक तरह से डाउन हो जाते हैं, वो सब रिकवर कर लेता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है दूध में, मान लीजिए आप दूध की जगह कोई और चीज खा रहे हैं तो वो ना खाएं भले, लेकिन 1 गिलास दूध जरूर पिए। ये आप जब पता पड़ जाएगा आपको, जो लोग लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं लेते हैं उन्हें ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिनके सिर में दर्द सा रहता है, एक तरह से भारीपन रहता है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। खासकर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर से दूर, वो इस चीज को यूज नहीं करते हैं। देखिए, आप जूस पीना छोड़ दीजिए, जो आप मुखर्जी नगर में जो जूस के ठेले लगे हुए हैं वहां से जूस पीते हैं 40 रुपए का, 50 रुपए का, उसकी जगह आप क्या कीजिए, 1 गिलास यानी 200 ग्राम जो है दूध पी लेंगे ना। आजकल तो पैकेट बंद भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे पतंजलि का भी आ रहा है अभी, और आपका अमूल का है, उन्हें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी एनर्जी आप एक तरह से आएगी, ये कोई मजाक नहीं है, आप करिएगा, जो लोग नहीं लेते हैं। क्योंकि तो दिल्ली में रह रहे हैं आप, मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने घर पर नहीं पीते हैं, तो पीना स्टार्ट करिए। इसके कारण हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपका दिमाग जो है फोकस नहीं हो रहा हो, उससे फोकस भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, पढ़ाई में मन न लगने का। पहला कारण क्या हुआ, ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये मैंने स्टेप आपको बता दिए हैं। खान पान में थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, अपना तब्दीली कर सकते हैं, थोड़ा सा संतुलित भोजन कीजिएगा, वो बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। मन का भटका दूसरा कारण है, मन का भटका। मन का भटका आप सभी को पता है, द्वंद रहता है आपके माइंड में। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, अपना उद्देश्य को आपको पहचानना है, ठीक है। आपको उद्देश्य ही नहीं पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस तैयारी को क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आएगा वो स्टेप, मैं इस तैयारी को क्यों कर रहा हूँ। आपको द्वंद है यार, या मैं ये करूँ या वो करूँ, क्या करूँ, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तब जाके आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप फंस गए द्वंद के अंदर। तो उस द्वंद को तुरंत समाप्त कर दें, ठीक है। आप क्या करें, अपना उद्देश्य को पहचान लें कि आपको क्या करना है, ये करना है मुझे, एक रास्ता चुनना है बिल्कुल 100% के यही करना है मुझे कम से कम। और मन के अंदर जो है द्वंद जो है कि ये करूं या वो करूं, दोनों को समाप्त करके एक ही पर बिल्कुल फोकस कर जाए, यही तो होता है फोकस। चीजों को छोड़ दे जाओ और अपने आप फोकस हो जाओगे। फोकस का मतलब ये नहीं कि सबको लेके चलना है, नहीं, सबको लेके चलोगे तो फोकस हो ही नहीं सकता है। केवल जैसे जैसे आप काटते जाओगे चीजों को, अपने आप फोकस हो जाओगे, अपने अंदर चले जाओगे, और वही होता है फोकस। एक रास्ते पर आप चलते जाओगे तो वो चीजें जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो एक रास्ते को चुनकर उसकी ओर काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके कारण भी आपको जो पढ़ाई में जो है एनर्जाइज जो है होने लग जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी आपको, जोश मिल जाएगा एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मन के जो भटकाव है उसको रोकना है। वो मन का भटकाव क्यों होता है, द्वंद के कारण, अपना उद्देश्य पहचानने के कारण, यानी कि उद्देश्य नहीं पता है आपको, और एक रास्ते पर चलने के ना कारण। तो एक रास्ते पर चलें, द्वंद को समाप्त कर दें, ठीक है, ये दूसरा एक तरह से कारण होगा। तीसरा जो कारण है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण क्या होता है, पढ़ाई से लोग ऊब जाते हैं, मन नहीं लगता है उनका पढ़ाई में, ठीक है। उनको सारी चीजें पता है, उनको उद्देश्य पता है अपना, एनर्जी भी बहुत है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मन नहीं लगता, फिर भी मन नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपके पास समय सीमा का निश्चित जो है नहीं है, आपको नहीं पता है आपको एग्जाम कब देना है, ठीक है। 1 साल में क्लियर करना है या फिर 2 साल में क्लियर करना है, आप एकदम फोकस्ड होके पहले ही सोच लीजिए इस चीज को कि मुझे इस एग्जाम के लिए कितने साल देने हैं, 1 साल देना है, 2 साल देना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 3 साल देना है। तो मुझे ऐसा टारगेट बनाइए, अपने दिमाग को ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि मुझे 1 साल में ही ये निकालना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसे एग्जाम को नहीं दूंगा, मैं और कुछ करूंगा, तब जाके आप पूरी तरह से फोकस होके उसके लिए तैयारी कर पाएंगे
और तब जाके आप फोकस्ड पढ़ाई में जो है ऑटोमेटिक मन लग जाएगा आपका, जब आप एक फिक्स टाइम अपने लिए निश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो 1 साल या 2 साल या 3 साल कोई भी हो, समय अपने आप निश्चित करें पढ़ाई में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IAS से लेके SSC तक, चाहे आपका ग्रुप डी तक। ठीक है, क्यों पढ़ें? तीसरा कारण ये, चौथा कारण ये है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ लोगों को ये अपने आप से पूछना होगा क्यों पढ़ें हम, मन में आता होगा क्यों पढ़ें, पढ़ रहे हैं मान लीजिए तो आपको एक तरह से फिक्र है कि आप क्या होगा पढ़ के। ठीक है, कुछ लोगों के मन में आ जाती है ये चीजें, तो आपको क्या करना है, जो प्राप्त करना है उसको बार बार सोचते रहना है, जो आपको प्राप्त करना है वो आपको बार बार सोचनी पड़ेगी चीज, तब जाके आप एनर्जेटिक हो पाएंगे, उसी के कारण क्या होगा आपका स्टडी में मन भी तभी लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बार बार सोचना है किसके बारे में, जो चीज आपको प्राप्त हो रही है उस पढ़ाई से। ठीक है, बनने के बाद की प्रक्रियाओं पर थोड़ा सा क्या करें, याद करते रहें। मैं जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए SSC कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, तो एक तरह से बनने के बाद की जो प्रक्रियाएं होंगी आपके साथ उनको थोड़ा सोचिए। ठीक है, आप कुछ भी आपकी चाहत हो, चाहे तो आप मान लीजिए ज्यादा पैसा चाहते हो, मान के चलिए ज्यादा रुतबा चाहते हो, या फिर मीडिया आपके सामने हो, कुछ भी हो, तो उससे आप मोटिवेट, जिस चीज से मोटिवेशन, यानी कि आप जनता का जो है भला करके आप मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या कीजिए, आप अपने आप को मानिए, अपने आप एक तरह से आप एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप एनर्जेटिक हो सकती हैं और आपका स्टडी में तुरंत मन लग जाएगा, तुरंत आप पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, बस यही साल है, इसके बाद क्या करना है, मौज ही मौज है, यानी कि आपने जो समय निश्चित किया है 1 साल, इस 1 साल में या 2 साल में इतना अच्छे ढंग से एक तरह से अपने आप को एनर्जाइज करके रखना है सारे स्टेप द्वारा, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, 1 साल ही तो मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है कि इस बार बस हो जाएगा पूरी तरह से, तब जाकर क्या होगा, फिर जब भी मेट वाला मोजा ही मोजा होगी और क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं जो कारण हैं आपके पढ़ाई में मन न लगने के। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हटा के ये चीज आप यूज कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे का रूटीन जो है बनाए रखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप एनर्जाइज एक तरह से हो सकेंगे। और आप क्या कीजिए, 7 दिन के 8 दिन के अंदर 1 दिन जो है मत पढ़िए। ठीक है, 1 दिन छुट्टी रखिए, जिससे आप एनर्जी से एक तरह से रिकवर कर सकें, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए। ठीक है, और शाम को जैसे सुबह तो ये चीजें कर ही रहे हैं, शाम को थोड़ा सा टहलने निकल गए कहीं, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, ठीक है, बाहर घूम लिए, रात में थोड़े घूम रहे हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देख लिया, तारों को देख लिया, उससे क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रकृति से जुड़ेंगे, आप अपने आप को मिट्टी से थोड़ा सा जोड़िए। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं पैदल पैदल, नॉर्मली किसी पार्क में जा रहे हैं, तो आप कीजिए पैदल पैदल बिना चप्पलों के एक तरह से घूमिए, तो इन चीजों से आपको एनर्जी मिलेगी भरपूर, क्योंकि जब तक आप एनर्जाइज नहीं होंगे तब तक आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, इनको उपयोग करके आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरपूर होने वाले हैं, और आप 10 दिन इसे ट्राई कीजिए, आपको 2 दिन में ही इसका फल एक तरह से ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में से इतना ही, और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कर दीजिए इसे शेयर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस प्रकार की चीजों को जागरूक हो सके, क्योंकि ज्यादातर हर एक तरह से स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि स्टडी में मन नहीं लगता, उसके लिए क्या किया जाए, तो इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया था। तो देखते रहें एग्जामिनर जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।